जी सर, हम तो पड़ोसी हूँ और उन्हीं के वार्ड का ही साथ वार्ड क्रमांक 7 का पंच भी हूँ। सर, मेरे को मिली जानकारी 11 बजे लगभग इनके यहाँ इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसमें कि मैं एम्बुलेंस वालों के पास फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो लोग आए, आने के बाद उन्हें 12 बजे के आसपास आए, थोड़ा सा लेट कर दिए 10-5 मिनट के लिए। ऐसे ही ये लोग अपना प्राइवेट गाड़ी लगा के फिर गए और जाने के बाद उधर अपना ये लोग हमने सुरक्षित से गए वार्ड ऑफ नगर के लिए मैं भेजा और उधर जाने के बाद रिफ़र किए तो भाई लोग गए वहाँ। फिर गाड़ी वाले जो एम्बुलेंस वाले जो आए थे वो मेरे पास साइन करा के वापस चले गए। वो लोग, वो गाड़ी कहाँ गया? चल दिया अपना घर। मरीज को यहीं उतार दिया जी? बॉडी को लेट हो गया, उतार दिया। क्यों उतारा? बोल देखा कि ले चलो, मैं 2-4 रुपये और ज़्यादा दे दूँगा, मगर ले चलो, नहीं ले। तो क्या बोला वो? क्या नहीं ले जाएंगे? क्यों नहीं ले जाऊँगा नहीं बताया, कुछ कारण? कुछ कारण तो नहीं बताया, हम ले जाए नहीं कर रहा हूँ, कहे कि लास्ट ढोने के लिए हम गाड़ी मेरा छोड़ है। ऐसे बोला? किसका गाड़ी था? उसका नाम पता है, विनोद है। जब आप अंबिकापुर जा रहे थे तो मोरन में रोका गया आपको कि धोंधा? धोंधा खास, धोंधा पीपर के झाड़ के नीचे। सूरजपुर वाले पुलिस थे जी। अब जहाँ भाई, अब आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण एवं जिले में लॉकडाउन होने के कारण ग्राम धोंधा में चौकी रेवटी दोरा में बलरामपुर सूरजपुर के बॉर्डर पे एक बैरियर लगाया गया है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग और अपना राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ड्यूटी की जाती है। आज कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में एक पीड़िता अपने पति के साथ इलाज कराने अंबिकापुर जा रही थी, जिसको वहाँ पर बैरियर में तैनात उस समय के अधिकारी कर्मचारियों ने रोका था और रोकने के दौरान फिर वो लोग वापस अपने गाँव वर्फनगर कनियारी गाँव जा रहे थे, जहाँ पर मृतिका की डेथ हो गई। यह एक सूचना मिली है, इसकी जांच के लिए एसडीओपी वहां स्वयं हुए हैं और इसके जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। वहां पे स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मचारी और वहां पे जो मेडिकल ऑफिसर थे, मेडिकल स्टाफ थे, वो लोग भी उसको देख सकते थे और शिक्षकगण भी वहाँ उपस्थित थे राजस्व विभाग की तरफ से भी, तो संयुक्त रूप से वहाँ पर कार्रवाई की जा रही। अगर इस तरह से उनको अगर दिक्कत थी तो वो अपने कागजात जो हैं उनको दिखाया सकते थे, डॉक्टर को या फिर शिक्षक को। इस चीज़ की भी जांच की जा रही है। अभी चूंकि पूरी विस्तृत रिपोर्ट आई नहीं है और चूंकि वहां संयुक्त रूप से वहां पे अपने मेडिकल स्टाफ के डॉक्टर जो सुनील साह थे वो भी थे, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि साहब इस तरह का कोई भी प्रकरण आज नहीं आया है। आज 3 डिलीवरी केस की गाड़ी आए थे जिनको हमने तत्काल अंबिकापुर जाने दे दिया था और एक आईसीयू में कोई पेशेंट भर्ती था किसी का, तो उसके रिश्तेदार आए थे, वो भी बिना पास के थे, तो उनको भी मानवता के दृष्टिकोण से जाने दिया गया था। 4 महीने से वो बैरियर वहाँ पर है और लॉकडाउन के पहले से ही, और वहाँ पे चूँकि झारखंड से लोग आ रहे हैं और बिहार से लोग आ रहे हैं और हाल ही में हमारे यहाँ 4 जगह पर संक्रमण निकला है और जहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, तो उसके दृष्टिगत ही वहाँ से हम लोग चेकिंग करके आने दे रहे थे सभी को। ये संयुक्त टीम की कार्रवाई है।